जब यमुनोत्री जाते हैं तो उस वक्त ये रास्ते में आता है। आज मैं मिलवाने वाली हूँ, ये यहीं रहते हैं पूरे टाइम? 12 ही महीने रहते हो? हाँ, 12 महीने। अच्छा, और कैसा रहता है यहाँ पे पानी और मौसम कैसा रहता है 12 ही महीने? मौसम तो इधर बरसात होती है, ज्यादा बरसात होती है। हाँ। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे क्या करते हो पूरे टाइम, क्या बिजनेस है? होटल भी है और अपनी खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। अच्छा। खेती बाड़ी किसकी? जैसे राजमा चौलाए हुई, आलू हुए। अच्छा। ओके। तो यहाँ पे गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है, कुंड बना रखे। यहाँ पे कुंड में गर्म पानी आता है कुदरत का, नेचुरल। अच्छा, और ये नदी कौन सी है? ये नारद गंगा। नारद गंगा। अच्छा, और इसी में आप पास में यहाँ पे गर्म पानी आता है? हाँ, पास में। हाँ। ऊपर गाँव है इधर, तो मैंने होटल बनाया, हाल ही में बनाया अभी अभी। अच्छा, इसी अच्छा। बार होटल तैयार हुआ। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? अभी तो लोकेशन तो अभी बनाया नहीं। यमुनोत्री जाने के रास्ते में आती है? हाँ, बनास, नारद चट्टी बनास। नारद चट्टी बनास। बनास। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। आप गूगल में जब सर्च करेंगे तो ऋषि कुंड बनास करके सर्च कर सकते हैं, तो गूगल में लोकेशन मिल जाएगा और इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। आइए बनास में, यहाँ अच्छा हमारा होटल बनाया है, आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो जाएगी, और खाने पीने जो भी है, गर्म पानी है इधर, झरना है, नेचुरल नेचुरल गर्म पानी, नेचुरल गर्म पानी है। और यहाँ पे क्या है, पहाड़ के पीछे आपका गांव है? गांव है। हाँ। पीछे पूरा गांव बना हुआ है। कितने घर? लगभग बहुत सारे घर होंगे, ऐसे 70-90 घर तो। अच्छा। हाँ, इतना है, इतने बड़ा। बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर भी है? मंदिर है, आपको दिखाएंगे ना अभी। अच्छा, ये राधा कृष्ण का मंदिर इन्होंने खुद ने बनाया? अरे वाह, गांव वालों ने हाँ। बनाया, बहुत बढ़िया। और ये इनकी होटल यहाँ पे देखिए, रहने का खाने का सब अपने खेत का बना हुआ। वाह, सब कुछ है बाथरूम में, सब ये बाथरूम है। कितने रूम है? यस मम्मी। कितने? मम्मी बोला 7 रूम है। यहाँ पर बाहर एक चाय की टपरी भी है, जहाँ शाम को बैठ के आप झरने का लुत्फ उठा सकते हैं और शानदार व्यू का नजर ले सकते हैं। और ये यहाँ पे भी चाय मिलती है, इनका भी है खाना चाय सब कुछ। इस गांव के बच्चे